तो देखिए, अगर किसी को भी अपना हाइट बढ़ाना है, इसका मतलब है उसको अपने हड्डियों का साइज़ बढ़ाना है, मतलब ओवरऑल अपना स्केलेटन का साइज़ बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरा स्ट्रेचिंग करे। हम अपना वर्कआउट भी बताए हैं एक वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लेकिन स्ट्रेचिंग और वर्कआउट से HGH बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और हम आपको बता दें कि HGH वो हार्मोन होता है जो कि हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एट एनी एज। लेकिन HGH तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप वर्कआउट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, जो हम वर्कआउट बताए हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो उस एनर्जी लॉस को रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा डाइट लो, और अच्छा डाइट लेने से क्या होगा, आपका एनर्जी लॉस का रिकवरी होगा, तब और अच्छा से वर्कआउट कर सकेगा, और अच्छा से वर्कआउट करेगा तो और अच्छा HGH प्रोड्यूस होगा, और अच्छा HGH हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तो और चांसेस है कि आपकी हाइट और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बढ़े। सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को खाना क्या क्या है। आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, फैट कम खाना है, विटामिन और मिनरल्स तो लेना ही लेना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं कि हम करें, तो एक काम तो आप कर ही सकते हो जिससे आपको विटामिन तो मिल जाएगा। आपको खुला धूप में जाके खड़ा रहना है 10 से 15 मिनट, उससे आपको विटामिन डी और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी तो सबको पता होता है, लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ हैं जिसको इन्फ्लुएंस करता है हम लोग का सनलाइट। विटामिन और मिनरल्स के लिए आप लोग कैप्सूल भी ले सकते हो, लेकिन हम उसको नहीं बोलेंगे, आप हम बोलेंगे नेचुरली तरीके से लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, दूसरा बात, खाने में आपको क्या क्या खाना है। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जिसमें आता है अंडा। अंडा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है। जो चीज़ है वो है, आप मीट खाओ, आप चिकन खाओ, आप मटन खाओ, आप बीफ खाओ, आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि किसी किसी धर्म में इजाज़त होती है, किसी किसी धर्म में इजाज़त नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से आपसे मीट खाओ, क्योंकि मीट में अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। आप फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन खा सकते हो, उसमें भी अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। पनीर खा सकते हो वेजिटेरियंस के लिए। अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई आप चिकन बनाओ मटन बनाओ, और आपके पास बनाने का टाइम वगैरह नहीं रहता है, तो सबसे बेस्ट है आप प्रोटीन से खरीद लो, प्रोटीन पाउडर खरीद लो, उससे भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाएगा। हम तो बोलेंगे ना दोस्त कि अगर आपके पास अच्छा अमाउंट ऑफ में पैसा है और आप पूरे डेडिकेटेड हो हाइट को बनाने के लिए, तो आप हर दिन 2 अंडा तो जरूर खाओ, क्योंकि हम जो वर्कआउट बताए हैं इस वीडियो में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, और हड्डी में माइक्रो फ्रैक्चर्स बनता है, और उस हड्डी के गैप को भरने के लिए बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम बोलेंगे आप नॉनवेज हर दिन खाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो खाओ, ठीक है। और अगर हो सकता है तो प्रोटीन पाउडर लो। आपको बता देते हैं हम प्रोटीन पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े भी होगा कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, इसी तरह प्रोटीन जो है हर हाइट को, बॉडी के साइज को, मसल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बेहतर तरीका है प्रोटीन को लेने का मीट, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आप पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन प्रोटीन के अमाउंट को ज़रूर पूरा किया करो। कि भाई आप अगर सिर्फ वर्कआउट करेंगे और डाइट नहीं लोगे तो फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपना हाइट को बढ़ा सको। खाना कैसे खाना है, एकदम दबा के खाना है, लेकिन इतना भी खाना नहीं खा लेना है कि आपसे वर्कआउट ही ना हो पाए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम डेली व्लॉग्स भी बनाते हैं, आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे गॉड ऑफिशियल के नाम से बयान है, जो स्पिरिचुअल बात पे हम बयान देते हैं, आप वो भी सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।